हेलो, मैं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। बॉलीवुड के एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण आजकल अपने प्रेगनेंसी को लेकर काफ़ी चर्चे में है और ऐसा कहा जा रहा है कि सितंबर में ही वो अपने बच्चे को जन्म दे देगी। इसी के साथ ही एक और उनसे जुड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि न्यू बॉर्न बेबी होने के बाद वो दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह अपने खरीदे गए न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट होंगे। जी हाँ, आपको बता दें, ऐसा कहा जा रहा है कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह मिलकर अपना एक न्यू अपार्टमेंट खरीदे हैं जो कि बैंड्रा में स्थित मन्नत, शाहरुख खान के मन्नत बंगले के जस्ट बाजू में ही है। और कहा जा रहा है कि इस रूम की कीमत, इस अपार्टमेंट की कीमत पूरे 100 करोड़ है। और इसी के साथ आपको बता दें, एक रिपोर्ट के अनुसार इस अपार्टमेंट का 16-19 फ्लोर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह का होगा। और इसकी बात करें, उनका जो नया घर है वो 11,266 स्क्वायर फुट का है। तो उसी के साथ उस अपार्टमेंट का जो टेरेस है वो 1,300 स्क्वायर फुट का है। और आपको बता दें, हाल ही में कुछ महीने पहले भी एक ऐसी न्यूज़ आई थी कि दीपिका पादुकोण ने अलीबाग में भी एक बंगला खरीदा है और जिसकी कीमत 22 करोड़ रुपए है। हालांकि अभी तक दीपिका पादुकोण या फिर रणवीर सिंह ने इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन अभी इनके जो अपार्टमेंट का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। और ये कहा जा रहा और उसमें दिखाई दे रहा है कि 80% काम पूरा हो चुका है। अभी देखने वाली बात होगी कि सितंबर में क्या कुछ चेंजेस होता है रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के लाइफ में, और आप कितना एक्साइटेड है रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के बच्चे को देखने के लिए और उनका नया घर देखने के लिए, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसी प्रकार के बॉलीवुड अपडेट्स के लिए देखते रहिए बॉलीवुड हेल्पलाइन।